आज हम बात करने वाले हैं NABH के बारे में। हॉस्पिटल्स में NABH होता क्या है और NABH की फुल फॉर्म क्या होती है, इसमें आने वाले बेनिफिट्स क्या होते हैं, पेशेंट्स केयर क्या होती है, स्टाफ केयर क्या होती है, आज हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लखन चौधरी और मेरे टेक्निकल हेल्थ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों देखिए, जैसे कि आप सभी लोग अगर मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपको NABH और NABL के बारे में अच्छे से पता ही होगा, और जो मेरे दोस्त नॉन मेडिकल पर्सन्स हैं उनको NABH और अगर हॉस्पिटल्स में जाते हैं उनको NABH के बारे में नहीं पता होता, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें। अब NABH होता क्या है, सबसे पहले हम आपको NABH की फुल फॉर्म बताते हैं। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और NABH मोस्टली बेसिकली है क्या, जो इंडिया के अंदर NABH हॉस्पिटल्स होते हैं उन सभी में जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो होती है उसकी क्वालिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी बेस पे रखते हुए NABH काम करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को QCI द्वारा डेवलप किया गया है और भारत के अंदर 173 हॉस्पिटल्स इस आइडेंटिटी को ले चुके हैं और 521 हॉस्पिटल्स पे अभी इसका काम चल रहा है और 449 ब्लड बैंक्स एंड 2 डेंटल हॉस्पिटल्स को इसकी आइडेंटिटी मिली है। अब हम आपको बताते हैं कि NABH का गठन कब हुआ था। NABH का गठन 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था और इसको JCI और ACG इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन के बेस पे ही बनाया गया है। अब दोस्तों इसके अंदर आने वाले बेनिफिट्स, जब भी कोई हॉस्पिटल NABH ऑडिट कराता है तो उसको उसके अंदर आने वाले जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, उसके अंदर जितने भी गाइडलाइंस होती है, NABH के अंदर आने वाली गाइडलाइंस होती है, जो क्राइटेरिया होती है, उनको फॉलो करना होता है, क्योंकि जो NABH की फर्स्ट प्रायोरिटी है वो होती है पेशेंट्स केयर और स्टाफ केयर। तो इन दो चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू के मद्देनज़र रखते हुए इनको ख़ास तौर पे फॉलो किया जाता है और यही दो उनके मेन मोटिव्स होते हैं और इन्हीं के बेस पे पूरी NABH की बुक्स लिखी हुई है और उसमें टाइम टू टाइम उसमें नए नए एडिशंस आते रहते हैं। दोस्तों अगर किसी भी हॉस्पिटल को NABH एक्रेडिटेशन चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग दी हुई गाइडलाइंस और क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि NABH का जो फर्स्ट मोटिव, जो उनका टारगेटिंग पॉइंट्स होता है, वो यही होता है कि पेशेंट्स केयर और स्टाफ केयर। तो आइए हम बताते हैं कि पेशेंट्स के सबसे पहले कि पेशेंट्स केयर क्या होता है। दोस्तों जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि सिरिंज, मेडिसिन, नीडल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन्स। तो NABH ऑडिट में यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि एक पेशेंट्स के जो हेल्थ है उसको कोई किसी तरीके का हार्म नहीं हो, उसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए। तो इन सारी चीज़ों को ऑडिट में देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है कि जैसे कि मेडिसिन, अगर मेडिसिन हैं उनको एक पर्टिकुलर स्पेस, एक पर्टिकुलर जगह पर रखा गया है कि नहीं, उनका स्टॉक क्या है, और दूसरा कि एक्सपायर्ड मेडिसिन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। दूसरा जो आपकी मशीन्स होती हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है कि नहीं, उनके क्वालिटी कंट्रोल क्या है और कैलिब्रेशन टाइम टू टाइम होता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें NABH ऑडिट में देखी जाती है। दोस्तों फार्मेसी से लेके ऑपरेशन थिएटर तक सारे पैरामीटर्स को उसमें एक बारीकी से मेज़र किया जाता है और तभी इन्हीं सारी चीज़ों के बेस पे एक NABH की बुक लिखी गई है जिसमें सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, फॉलो करना होता है। अगर आपका कोई भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में काम कंप्लीट नहीं होता है तो वहाँ पे NABH की तरफ से एक NC लगाई जाती है जिसको बोलते हैं नॉट क्लियर, और वो बोल के जाते हैं कि अभी आपको इस एरिया में काम करना है तो अभी हम आपको अप्रूवल नहीं दे सकते, और जब आप इसमें सुधार कर लेंगे, पूरी तरीके से काम कर लेंगे, तो तब आपको हमें रिपोर्ट करनी है, देन तब हम आपको अप्रूवल देंगे। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो NABH ऑडिट होता है जिस टाइम पे, इसका अप्रूवल फर्दर 3 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया जाता है। अगर सारा सब कुछ क्लियर होता है तो 3 साल के लिए इसको
रिन्यू कर दिया जाता है और 3 साल बाद फिर उसको रिन्यूअल देने के लिए ऑडिट कराना होता है। तो ये था दोस्तों पेशेंट्स केयर में, और अब बात करते हैं स्टाफ केयर की। स्टाफ केयर में दोस्तों क्या होता है कि स्टाफ केयर के अंदर उस NABH में काफ़ी गाइडलाइंस होते हैं उसके लिए भी, कि अगर उस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में NABH ऑडिट होता है तो उसमें आपको उससे रिलेटेड एजुकेशनल प्रोग्राम दिए जाते हैं कि नहीं। जब भी कुछ अपडेशंस होती हैं, कुछ भी नई चीज़ें जुड़ती हैं NABH के थ्रू, तो उन प्रोग्राम्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें स्टाफ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक NABH हॉस्पिटल के अंदर जो एक एम्प्लॉयज़ को, जो एक एम्प्लॉय जो स्टाफ होता है उसको जो बेनिफिट दिए जाते हैं, चाहे वो हेल्थ पॉलिसीज़ हों या फिर वो मेडिकल ट्रीटमेंट से लेके कोई भी चीज़, किसी भी तरह का बेनिफिट्स होता है, उन सभी के बारे में स्टाफ को पता होना चाहिए। स्टाफ के ये राइट्स होते हैं, उनको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, उनका PF ESI अगर टाइम टू टाइम नहीं हो रहा है तो ये सारी चीज़ें ऑडिट में देखी जाती है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा वेरीफाई की जाती हैं। और ये भी देखा जाता है कि जहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है उसके साथ में किसी तरह का कोई हरेसमेंट तो नहीं हो रहा है, वो एकदम सेफली वहाँ पे अपने वर्क को अच्छी तरीके से कर पा रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें NABH जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि किसी भी NABH हॉस्पिटल में अगर किसी एम्प्लॉयज़ को, किसी स्टाफ को ज्वाइन कराया जाता है तो सबसे पहले उस हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ के टर्म्स और कंडीशंस और जो पॉलिसीज़ होती है उनके बारे में पूरी तरीके से स्टाफ को, एम्प्लॉयज़ को बताया जाए। अगर वो सेटिस्फाइड होता है तभी वो उसको ज्वाइन करेगा, अदरवाइज़ अगर उसकी मर्ज़ी नहीं होगी तो वो नहीं करेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आती हैं NABH के अंतर्गत। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी जानकारी, ये मेरी छोटी सी जानकारी, और NABH के बारे में हमने आज बहुत ही छोटे, बहुत ही स्मॉल लेवल पे बात की है, क्योंकि अगर मैं अभी बातें करूँगा तो मेरी इस वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी अगर डीपली हम अगर बातें करेंगे। तो अगर मेरे किसी दोस्त को और भी इन डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम ID है LakhanJi65। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि इससे मेरी आगे आने वाली जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी मेरी वीडियोस हैं, आपको मिलती रहें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।